आप लोग सब लोग लैपटॉप रिपेयर करते हैं, एएफएस के बच्चे कोई जवाब नहीं देना, मंजूर? एएफएस के बच्चे नो आंसर, ठीक है। मेरे को बताओ, आपके पास लैपटॉप रिपेयर के लिए आया है, हम क्या स्टेप्स फर्स्ट फॉलो करेंगे? पहले सर आएगा तो पहले फिजिकल डैमेज देखेंगे। फिजिकल डैमेज, और देखेंगे कोई दूसरे कस्टमर से फोड़ तो नहीं आया, और देखने के बाद फर्स्ट में हम फोड़ करेंगे आरटीसी सेक्शन, दूसरे आरटीसी सेक्शन फर्स्ट, नेक्स्ट आरटीसी सेक्शन, आई विल राइट डाउन आरटीसी नेक्स्ट। उसके बाद दूसरी तरह से मेरा आरटीसी सेक्शन ठीक होगा तो उसके बाद हम जी में जाएंगे। तक बेटा नेक्स्ट, यस शॉर्टिंग है कि नहीं वो पता नहीं। क्या मां शॉर्टिंग? शॉर्टिंग नेक्स्ट, शॉर्टिंग के बाद आरटी सी सेक्शन, बी सेक्शन, स्टे डाउन सेक्शन नेक्स्ट, दूसरों को दो और नेक्स्ट, रिपीट हो गया ना, आरटीसी बोला तो रिपीट हो गया, विल नॉट रिपीट। और कोई है, और कुछ चेक करना है? नेक्स्ट, और कोई जो मेरे को जवाब चाहिए वो नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट, सब लैपटॉप रिपेयर करता है ना, हाँ या ना? मतलब आपका कोई ना कोई प्रोसीजर है या नहीं है? बस प्रोसीजर बताओ। हिस्ट्री, क्या प्रॉब्लम, क्या हिस्ट्री बोर्ड में कोई प्रॉब्लम है या किसी ने छेड़ा है, हिस्ट्री के बारे में ना, लैपटॉप क्या प्रॉब्लम है? अगर नो डिस्प्ले तो आरटीसी 3.5 वी चेक करेंगे क्या? ना माफी है ना, हिस्ट्री हुआ ना। नेक्स्ट, नेक्स्ट और कुछ है? बोर्ड पहले हाथ में आएगा तो क्या करेंगे? यहाँ जो है उसको रिपीट नहीं करना, ठीक है डन। चलो आपकी बात से मैं सहमत हूँ, अभी आते हैं कि मैं क्या करता हूँ करके, ठीक है। फर्स्ट बोर्ड बाद में रिपेयर करना, अपनी होशियारी को बाद में लगाना, तीर को चलाने से पहले निशाना लगाना पड़ता है, करेक्ट नहीं? आपको तीर दिया तो क्या करेगा, तीर दिया तो क्या करेगा, बोलेगा निशाना लगाना, तीर चलाएंगे तीर चला, मां मैया पहले निशाना तो लगाओ, करेक्ट नहीं? मैंने 30 मिलीसेकंड्स का एक टेक्निक पकड़ा है। एक सेकेंड कितने होता है, एक मिनट में कितने होता है? 30 सेकेंड्स, 60 सेकेंड, ठीक है, तुम्हारा उतना नहीं पढ़ा है मैंने। एक सेकेंड का आधा कितना होता है? 30 मिलीसेकंड, मंजूर? 60 मिलीसेकंड्स मेक्स 1 मिनट, वो हाँ बोल रहा है, एक मिनट, एनीवे 30 मिलीसेकंड ऑन करके ऑफ कर देता हूँ टच, आपका सबका जवाब उसके अंदर मेरे को आ गया। अब जितना भी स्टोरी मेरे को यहां बोला, 30 मिलीसेकंड ऑन करके ऑफ किया, खलास, वो बोर्ड मेरे को बता देगा कि वो कौन से पोजीशन में रुका हुआ है, ये एएफएस सॉल्यूशन ने इन्वेंट किया है सिर्फ एएफएस बच्चों के लिए। नेक्स्ट, मैं बटन कब दबाऊंगा, दैट मीन्स तीर कब चलाऊंगा, जब मैं निशाना बनाऊंगा। अभी निशाना कैसा बनाना, जब मेरे पास फर्स्ट बोर्ड आता है मैं बिल्कुल बोर्ड को रिपेयर नहीं करता, फर्स्ट आई विल चेक द फिजिकल कंडीशन ऑफ द बोर्ड, इट इज राइट, गुड आंसर। सेकंड, आई विल चेक
करोजन, कोई करोजन है नहीं है। अभी समझो महाराष्ट्र में बारिश आया, वहां का बोर्ड आपके पास आएगा, अब स्टैंड बाय बीन चेक करेगा, पूरा बोर्ड पानी में भीग के आया है स्विमिंग करके, कंडीशन बुरा रहेगा ना। किसी के घर में लैपटॉप चल रहा था, बच्चे ने आया चाय या जूस डाल दिया, करोजन शॉट हुआ ना। मतलब एक इंजीनियर का रेस्पॉन्सिबिलिटी है, एज अ रेस्पॉन्सिबिलिटी आई दैट इज ऑल्सो माई बेसिक्स। मैं बोला हर एक्सपर्ट का सीक्रेट उसके बेसिक्स में है, हर एक्सपर्ट का सीक्रेट उसके कॉमन सेंस में, हर एक्सपर्ट का सीक्रेट उसके पेशेंस में। तो अपने पास एक्सपर्ट लेवल के लिए फर्स्ट कॉमन सेंस होना बहुत जरूरी है। और आप जो भी मेरे पे आंसर देंगे कॉमन सेंस का आंसर देना, एक्सपर्ट लेवल का आंसर नहीं चाहिए। पेशेंस का आंसर देना, एक्साइटमेंट का आंसर नहीं चाहिए, ठीक है? ये सबसे बड़ा हथियार होता है। अगर उसको नहीं सीखेगा आपके लैप टेबल पे लैपटॉप रिपेयरिंग में वो इफेक्ट जरूर करेगा। सो फर्स्ट माय फिजिकल कंडीशन ऑफ द बोर्ड, सेकंड आई विल गो फॉर द करोजन पानी, थर्ड आई विल चेक फॉर द हिस्ट्री एंड आई विल गो फॉर टैम्परिंग। व्हाई डू आई गो फॉर टैम्परिंग? किसी ने टैम्पर किया है तो देखेंगे उसको। एक दुनिया का उसूल है, उल्टे का उल्टा सीधा रहता है, समझ गए? अभी ये पेन ऐसा है, अभी ये उल्टा मेरे पास आया, अगर इसी को मैं उल्टा कर दिया तो क्या हुआ? सीधा हुआ ना। ये दुनिया का उसूल और प्रिंसिपल है। इसी तरह अगर मेरे पास आया, अगर मेरे पास फिजिकल डैमेज में अगर ये पास है, अगर मेरे पास करोजन में पास है, मैं जाऊंगा टैम्परिंग। मेरे को कुछ रिसर्च करने का जरूरत नहीं है, बस उसको सीधा करो, मेरा केस सॉल्व हो जा रहा है। क्योंकि अभी क्या है, मार्केट का बिजनेस हैंड एक्सचेंज का बिजनेस चल रहा है, माने डीलर टू डीलर, डीलर टू डीलर हैंड एक्सचेंज होकर आता है, करेक्ट? मतलब कुछ ना कुछ छेड़ा हुआ रहता है, करेक्ट? नई गर्लफ्रेंड और नई बोर्ड, साफ बोर्ड मिलना थोड़ा मुश्किल है, अभी छेड़ा हुआ आता है। अभी समझ में आ रहा है देखो। मानते हो नहीं बोर्ड के बारे में, डिस्टर्ब हो क्या था ना, ये मेरा बेसिक करके समझना, ठीक है? अब इस क्वालिटीज को हमारे ऑफिस के बच्चे को सिखा देना। मेरे टेबल पे बोर्ड आने से पहले, मेरे पास एक बच्चा है समझो जो मेरे साथ काम कर रहा है, उसको बता देना मेरे टेबल पे बोर्ड आने से पहले इन चीजों का तो पूरा रिजल्ट मेरे को देगा, फिजिकल डैमेज, करोजन या कोई टैम्परिंग और हिस्ट्री फ्रॉम द कस्टमर, क्या कंडीशन के लिए बोर्ड मेरे पास आया है, नॉट पावरिंग ऑन और नो डिस्प्ले, सिर्फ दो ही है, नो पावर और नो डिस्प्ले, तब मेरे को आसान होता है कि मैं कहां से शुरू करूं। मैं रिपेयरिंग बाद में करूंगा, डॉक्टर आपको जाते ही ऑपरेशन नहीं करेगा, क्या करेगा? ग्लूकोज देगा, आपका बीपी को चेक करेगा, करेक्ट? चेक करेगा नहीं करेगा, आपको ब्लड को चेक करेगा, आपका टेम्परेचर, जब सब रिजल्ट यूरिन टेस्ट करेगा, उसके बाद सब रिजल्ट आने के बाद आपको क्या बीमारी है, तब उसी का वो ऑपरेशन करेगा, करेक्ट ना? सो डॉक्टर डायरेक्ट पेशेंट के पास नहीं आता, पूरा नस टेस्ट कर लेती है। थोड़ा वॉल्यूम कम करो। सब नर्स से टेस्ट कर लेते हैं, डॉक्टर सिर्फ मास्क पहन के ऑपरेशन थिएटर में आना जरूर पड़ता है, करेक्ट? और वो उस मुकाम पे आते समय वो डॉक्टर नहीं सर्जन बन जाता है। आप भी एक लैपटॉप टेक्नीशियन नहीं, एक लैपटॉप के सर्जन है। सब लोगों ने बोर्ड डाला है लैपटॉप डॉक्टर, लैपटॉप डॉक्टर, लैपटॉप डॉक्टर कर गया, लैपटॉप सर्जन क्यों नहीं डालता? डॉक्टर का काम बुखार, सर्दी, वायरल फीवर इस तरह का पकड़ने का, सर्जन होता है जो रक्त को पकड़ने का,
हार्ट का सर्जन सुना है, नर्व्स को चेंज करता है, करेक्ट ना, किडनी लंग्स को रिपेयर करता है ऑपरेशन में, वो सर्जन ही करता है ना, कहीं सुना है डॉक्टर ने किया है, नहीं ना। तो आप भी कार्ड लेवल इंजीनियर नहीं है, कार्ड लेवल इंजीनियर डॉक्टर होता है, आप चिप लेवल इंजीनियर है, यू आर अ कोर इंजीनियर, दैट मीन्स यू आर अ सर्जन ऑफ दिस लैपटॉप रिपेयरिंग, समझ में आ रहा है। सो यू आर मोर प्रोफेशनल। यहां क्या होता है, बेवकूफी का लेवल कम होता है, होशियारी का लेवल बढ़ता है, समझ में आया। सो जो भी करेगा होशियारी से। अभी नेक्स्ट, ये मेरे पास आ गया, इसको किसने पास किया, मेरे ऑफिस के असिस्टेंट ने, ये मेरा काम नहीं है, मेरे बच्चे को इसको एक्सपर्टाइज बना देना मेरे पास आने से पहले। अभी नेक्स्ट मेरा काम है, बोर्ड मेरे पास आया, हम दो सीक्वेंस में बोर्ड रिपेयर आता है, पावर ऑन और नो डिस्प्ले। चलो पावर ऑन के बारे में पहले सॉल्व कर लेंगे, बोर्ड हमारे को कहां से स्टार्ट करना, किसी को ब्लॉक डायग्राम पढ़ने आता है, एएफएस के बच्चे छोड़ के, स्कीमेटिक्स पढ़ने आता है, डू यू नो हाउ टू रीड स्कीमेटिक्स, यस और नो, जिसको नहीं आता हाथ ऊपर उठाओ, स्कीमेटिक्स पढ़ने नहीं आता, स्कीमेटिक पढ़ने नहीं आता, स्कीमेटिक पढ़ने नहीं आता, स्कीमेटिक स्कीमेटिक स्कीमेटिक, आपको स्कीमेटिक पढ़ना आता है, हाँ पता है, काफी है आपको, ठीक है, किसको स्कीमेटिक पढ़ना आता है, अभी आपको ड्राइंग बुक मिला है, एक पेंसिल मिला है, अब मैं जैसे बोलूंगा उसको आपको ड्राइंग करना पड़ेगा, ठीक है, बोर्ड को मेरे को कहां से स्टार्ट करना पड़ेगा, फ्रॉम वेयर डू आई स्टार्ट लर्निंग, फ्रॉम वेयर डू आई स्टार्ट रिपेयरिंग। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ सीक्वेंस टू अंडरस्टैंड द लैपटॉप रिपेयरिंग, वन इज एन अडॉप्टर मोड, अनदर इज अ बैटरी मोड। रिपीट नहीं करने का, रिपीट किया तो मैं देख के इधर खड़ा होगा, एक होता है अडॉप्टर मोड, दूसरा होता है बैटरी मोड, ठीक है, इसका मतलब दोनों का सीक्वेंस चेंज हो जाता है। जैसा हमारे पास 24 घंटे में दिन भी होता है, रात भी होता है, सूरज भी आता है, चांद भी आता है, करेक्ट। अगर सूरज का वक्त थोड़ा ज्यादा हो गया पूरी दुनिया जल जाएगी, अगर चांद का वक्त आधा घंटा भी ज्यादा हो गया पूरी दुनिया बर्फ हो जाएगी, मतलब एवरीथिंग इज अ टाइम सेट, सब कुछ अपने टाइम पे लॉक हुआ है। जब यूनिवर्स लॉक हुआ है तो यहां भी बोर्ड का आर्किटेक्चर उसके टाइम में लॉक हुआ है, ठीक है। सो हम जब बैटरी का केस सॉल्व कर रहे हैं, आई कैन नॉट गो टू एन अडॉप्टर पावर सीक्वेंस एंड ट्रेस इट। जब मैं अडॉप्टर का पावर ऑन सीक्वेंस को मैं ट्रेस कर रहा हूं, व्हेन आई एम यूजिंग अ डीसी पावर सप्लाई, आई कैन नॉट गो पुट अ बैटरी और आई कैन नॉट गो फॉर अ बैटरी पावर सीक्वेंस एंड स्टार्ट ट्रेसिंग इट। बात समझ में आया, दोनों अलग चीज हो जाता है। अभी हम बैटरी के कॉन्सेप्ट को हटा देते हैं, बिकॉज वी आर एन इंजीनियर, वी यूज डीसी पावर सप्लाई, कंपल्सरी मिनिमम रिक्वायरमेंट 4 digit 30 amps 30 volts 5 amps चाहिए। कितना चाहिए, अगर मेरा 30 millisecond का सीक्रेट सीखना चाहते हैं, 30 volts 5 amps मिनिमम 4 digit 0.0 जो करंट का एम्पीयर रीच करता है, किसी को भी परचेस करने पे बोलो 4 digit वो आपको 4 digit दे देंगे, ठीक है। वो मेरे को सब कुछ बोर्ड मेरे से, जब मैं डीसी से कम्युनिकेट करता हूँ, मैं पावर लगाता हूँ, वो सब कुछ मेरे से बात करता है। 2 साल पहले नहीं था, 2018 से पहले भी नहीं था, उसके बाद ये पूरा सिखाते सिखाते ये एक को एक सिखाते सिखाते कॉमन हो गया, वरना डीसी रीडिंग कोई ज्यादा नहीं पहचानते थे। एनीवे, तो लेट मी टेक अ बोर्ड, पावर ऑन नो कंडीशन, नॉट पावरिंग ऑन कंडीशन में आया, सो वेयर डू आई स्टार्ट, बिफोर फॉल्ट है या नहीं है बाद में। रिपेयर वही कर सकता है जो उसका वर्किंग कंडीशन जानता है, एम आई राइट। टू व्हीलर मैकेनिक, अगर आपने उसको बाइक दे दिया, उसको ये पता रहना कि वर्किंग कंडीशन में बाइक कैसा काम करता है, तभी नॉन वर्किंग कंडीशन को वर्किंग में कर सकते हैं, करेक्ट।
डायरेक्ट फॉल्ट्स रिपेयर करना सीखना नहीं कभी, ये आपका आधा अधूरा इनकम्प्लीट रहता है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बोलता हूं, लाइफ में अगर आपको सक्सेस होना है, एक उस्ताद और एक मकसद रहना। उस्ताद भी नहीं है, मकसद भी नहीं है, आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। मेरे बात लिख के रख लेना, कोई भी रहने, उस्ताद आपके फादर को ही बनाओ या अपने आप को बनाओ, लेकिन एक उस्ताद एक मकसद रहना। इवन एक कलव्या ने द्रोणाचार्य को उस्ताद माना था, नहीं माना था, चाहे उन्होंने नहीं सीखा लेकिन उस्ताद माना था। आज इसीलिए हिस्ट्री में कलव्य का नाम है ना, करेक्ट। एक उस्ताद और एक मकसद को रखना। सो अगर मैंने एक वर्किंग कंडीशन को सीख लिया, नॉन वर्किंग कंडीशन मेरे को रिपेयर करना बहुत आसान है, समझ गए। सो हमारे मदरबोर्ड के आर्किटेक्चर में एट प्रेजेंट तीन टाइप का आर्किटेक्चर है, हब आर्किटेक्चर, पीसीएच आर्किटेक्चर एंड एसओसी आर्किटेक्चर। ठीक है, एसओसी जानते हैं आप, सिस्टम ऑन चिप, सिर्फ एक सीपीयू, नो पीसीएच, नथिंग। ये हो गया अभी प्रेजेंट, इससे पहले था पीसीएच, एक सीपीयू, पीजीए सॉकेट, नहीं तो एसओसी चिप, साथ में एक पीसीएच। जानते हैं पीसीएच, जानते हैं नहीं जानते हैं? ड्रॉइंग चाहिए, गुड, दैट मींस गुड लिसनर। तो इससे पुराना आर्किटेक्चर था हब आर्किटेक्चर, मतलब आईसीएच, मतलब साउथ ब्रिज, नॉर्थ ब्रिज और सीपीयू, करेक्ट। अभी क्या एडवांस होते होते कॉम्पैक्ट हो गया। मैं बहुत पुराना आर्किटेक्चर नहीं सिखाऊंगा बिकॉज इट इज आउटडेटेड। नया आर्किटेक्चर भी सिखाया तो आपको बाउंस हो जाएगा, क्योंकि नया आर्किटेक्चर में क्या है, बहुत सी चीजों को फिल्टर कर दिया, निकाल दिया गया, और पुराना आर्किटेक्चर में बहुत सी चीजों को ऐड कर दिया गया है। अगर हम मैं बीच का सीखा, द सेंटर पार्ट, दैट इज अ पीसीएच आर्किटेक्चर, मैं पुराने बोर्ड को भी रिपेयर कर सकता हूं और लेटेस्ट बोर्ड को भी रिपेयर कर सकता हूं। बात समझ में आया? तो सीखने में कौन सा सीखना चाहिए, तो एक पीसीएच आर्किटेक्चर मैं आज सिखाऊंगा और एक होमवर्क आपको दूंगा, कल उस होमवर्क को आप करके आना। क्लियर? एक ड्राइंग मैं सिखाऊंगा आज, जब सब लोग या तो घर में या अपने रूम में जाइए, आई वॉन्ट यू टू मेक द ड्राइंग ऑफ द होमवर्क एंड कम एंड शो टू मी टुमारो। सिर्फ हाफ एन आवर में हो जाएगा होमवर्क, मंजूर है? आवाज नहीं आया सब, रवि का आवाज नहीं आया, गुड। अभी मैं आपको समझो होमवर्क दिया, नेपाल में मैंने सुना है सेडार का बोर्ड 3542 13269, ये बोर्ड फेमस है करके, यस और नो? अगर मैं उसका पावर ब्लॉक डायग्राम या पावर सीक्वेंस का ड्राइंग बनाने बोलूंगा, क्या आप यहां बैठे उस ड्राइंग को बना सकते हैं, या होमवर्क दिया तो बना के कल लेकर आ सकते हैं, यस और नो? दो भी जवाब नहीं देना, यस दे रहे ना नो दे रहे, यस दो या नो दो, क्या दे रहे हैं, यस और नो? आवाज आ रहा है अभी, और थोड़ा क्लियर हो गया आवाज, यस और नो? कॉन्फिडेंस देखो, कॉन्फिडेंस मर गया। हाँ, एक और चीज, कॉन्फिडेंस, अगर मेरा यूट्यूब का वीडियो देखेंगे, मैं बोर्ड को ऐसा मारा हूं, मारने के बाद उसी बोर्ड को डिस्प्ले दिखाया, मेरा कॉन्फिडेंस है, मैं जैसा बोलूंगा बोर्ड सुनना, बोर्ड से मैं डरने वाला नहीं, करेक्ट। मेरा कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस लेवल कभी भी थर्मामीटर जैसा ऊपर रहना, ठीक है। हाँ में भी कॉन्फिडेंस रहता है, ना में भी कॉन्फिडेंस रहना, कंफ्यूजन में नहीं रहना। सो मैं पूछ रहा था, अगर सेडार बोर्ड का आपको पावर का ब्लॉक डायग्राम बनाने बोलूंगा, आप बना के लेकर आ सकते हैं क्या? अगर मैं सिखाने के बाद बोला तो कल लेकर आएंगे क्या? हाँ, ये कॉन्फिडेंस, हाँ में भी कॉन्फिडेंस है, ना में भी कॉन्फिडेंस होना, शाबाश, अभी आप सीख रहा है, ठीक है। सो
मैं कुछ बोलूंगा, ड्राइंग दिखाऊंगा, मैं भी खुद लिखूंगा, आप भी खुद उसको ड्राइंग में लेकर आएंगे, ठीक है? आपके पास एक पेंसिल होगा, है, बुक है, इरेजर हमारे बच्चों के पास रहता है, द वॉलंटियर्स के पास इरेजर और शार्पनर रहता है, आप चाहे तो उनसे ले सकते हैं, ठीक है? लेट अस स्टार्ट। हाँ डन। मेरे को एक ब्लॉक डायग्राम बोल रहा है, मेरे को यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है?